Amish Tiff. भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पर आज जब प्रधानमंत्री ने जवाब दिया तो प्रधानमंत्री ने एक नया शब्द दिया और वो शब्द है आंदोलनजीवी। बड़ी चर्चा है, पहले इस पर बात और फिर आपसे तारुफ कराएंगे मेहमानों का। एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलनजीवी। किसान आंदोलन पर पीएम की नसीहत, कांग्रेस को सुनाया मनमोहन का बयान, विपक्ष के यूटर्न को किया बेपरदा, आंदोलन जीवियों से बचने की सलाह। एक तरफ दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर किसानों से बातचीत के लिए आगे बढ़ने की अपील की है। मौका था राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में हुई चर्चा का और इसी का जवाब देते हुए पीएम ने हर जगह हर आंदोलन में जबरन घुसने वालों पर जमकर निशाना साधा। हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। पीएम ने बहुत सोच समझकर आंदोलन जीवियों का तीर चलाया और ये तीर बिल्कुल सही निशाने पर भी लगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से किसानों को भड़काने वालों के चेहरे बेनकाब हुए हैं और उसमें कुछ ऐसे चेहरे सामने आए हैं जो हर आंदोलन में नजर आ जाते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री ने आंदोलनकारियों को भी ऐसे लोगों से बचने की सलाह दी है। लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहां बैठे ये ठीक नहीं है, आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए, आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है, मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कृषि सुधारों के मुद्दे पर विपक्ष के यूटर्न पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि जो लोग आज कृषि सुधारों का विरोध कर रहे हैं वही लोग कुछ साल पहले तक इन्हीं सुधारों की वकालत किया करते थे। लॉ का जो स्पिरिट है उस पर किसी की चर्चा नहीं हुई है, शिकायत दिया गया तरीका ठीक नहीं था, जल्दी कर दिया, इसको नहीं पूछा, ये रहता है। वो तो परिवार में शादी होती है तो भी फूफी नाराज होकर के कहती है मुझे कहाँ बुलाया, वो तो रहता है, इतना बड़ा बड़ा परिवार है तो रहता ही है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोला कि यूपीए सरकार के दौरान लगातार कृषि सुधारों को बढ़ावा देने की बात की गई और तब के कृषि मंत्री शरद पवार ने तो कई राज्यों को चिट्ठी भी लिख दी थी। पीएम ने विपक्ष पर यू टर्न का आरोप लगाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान की भी याद दिलाई जिसमें उन्होंने किसानों के लिए खुले बाजार की बात कही थी। मनमोहन सिंह जी ने किसान को उपज बेचने की आजादी दिलाने, भारत को एक कृषि बाजार दिलाने के संबंध में अपना इरादा व्यक्त किया था और वो काम हम कर रहे हैं, और मुझे आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि देखिए मनमोहन सिंह जी ने कहा था वो मोदी को करना पड़ रहा है, गर्व कीजिए। प्रधानमंत्री ने लगभग ढाई महीने से जारी किसान आंदोलन में शामिल लोगों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की और भरोसा दिलाया कि देश में एमएसपी हमेशा जारी रहेगी। मैं कहता हूँ
मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। लेकिन प्रधानमंत्री का बयान आने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार से एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने की मांग दोहरा दी। हमने ये कहा कि एमएसपी पे कानून बने, एमएसपी पे कानून बन जाएगा तो देश के किसानों को फायदा होगा। अब एमएसपी पे कानून नहीं है तो व्यापारी आधे में लूटता है उसको। पीएम मोदी आज विपक्ष पर बेहद आक्रामक थे। उन्होंने आज एक और टर्म दिया एफडीआई का। पीएम मोदी ने विदेशी साजिश पर देश को आगाह करते हुए एक नए एफडीआई की बात की। लेकिन मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है। ये नए एफडीआई से देश को बचाना है। एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये जो नया एफडीआई आज नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा। और ये नया एफडीआई है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किसानों को सिर्फ सियासी मोहरा बनाने वालों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने विपक्ष के नेताओं पर चुटकी लेते हुए कहा कि वो जितना चाहें उन्हें कोस लें, क्योंकि हो सकता है इसी से विपक्ष को आनंद मिल जाता हो। इसके लिए मैं काम आया, ये भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ और मैं चाहूंगा ये आनंद लगातार लेते रहिए, चर्चा करते रहिए, लगातार चर्चा करते रहिए, सदन को जीवंत बनाते रखिए। मोदी है, मौका लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साफ है कि जिस किसान आंदोलन के सहारे विपक्ष अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में है, उसी विपक्ष को पीएम ने जमकर आईना दिखाया और किसानों के सामने सिर्फ नेतागिरी करने वालों को बेनकाब कर दिया।